इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। और इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भक्तों के लिए तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर की नक्काशी दिखाई गई है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी राम भक्ति देखने को मिली। डिप्टी सीएम ने प्राण प्रतिष्ठा वाली जगह पर मत्था टेका है। श्री राम के स्वागत में सजने लगी अयोध्या। केशव प्रसाद मौर्य की राम भक्ति। काफी इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के विराजमान होने की तारीख तय हो गई। भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जोरों पर है। पूरे देश में राममय माहौल तैयार किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। इस दौरान होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देश के 4000 संत महात्मा और समाज के 2500 प्रतिष्ठित महानुभाव इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनेंगे। पूरी दुनिया भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उत्साह में नजर आ रही है। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की नगरी में भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनकर लगभग तैयार हो गया है। मंदिर की तीन तस्वीरें ट्रस्ट ने जारी की, जिसमें मंदिर के मंडप की नक्काशी दिखाई गई। पहले मंडप यानी कि सिंह द्वार की तस्वीर भी सामने आई और इसी द्वार से होकर भक्त अपने आराध्य के दर्शन को जाएंगे। अद्भुत और अलौकिक नक्काशी सिंह द्वार पर साफ नजर आ रही है। वहीं इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की राम भक्ति देखने को मिली। अयोध्या दौरे के दौरान डिप्टी सीएम केपी मौर्य हेलीकॉप्टर के अंदर रामधुन गाते दिखाई दिए। केपी मौर्य ने श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर के निर्माण काम को देखा। डिप्टी सीएम गर्भगृह में गए, जहां भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहां मत्था टेका, प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी किए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। लिखा, श्री राम जन्मभूमि स्थल पर बन रहे प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण काम का निरीक्षण किया। गर्भगृह में पहुंचकर प्रणाम किया। देश जिस बात की प्रतीक्षा 500 साल से कर रहा था, वह शुभ दिन आया देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद। रामलला का भव्य मंदिर जो निर्माण चल रहा है, जिसे मैं स्वयं भी आज जाकर के देखा हूं। 22 जनवरी को रामलला का नूतन विग्रह जन्मस्थल पर विराजमान होगा, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोटि कोटि राम भक्तों में बहुत उत्साह है। व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त रहेंगी। सभी राम भक्तों का अयोध्या में स्वागत है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर को लेकर विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला। जो लोग श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, आज वह राम भक्त बन रहे हैं। जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, वह राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण पाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। हम नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो यही विरोधी जो आज निमंत्रण पाने के लिए व्याकुल हैं, कहते थे ये तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख बता रहे हैं, 22 जनवरी 2024। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बाबर भक्तों को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस अभी भी बाबरी सोच से बाहर नहीं आई। इन कांग्रेसियों की बाबरी प्रेम नहीं जा रहा है। लगातार समय समय पर यह अपने आप को बता देते हैं कि यह राम भक्त नहीं, ये सनातन भक्त नहीं, ये हिंदू नहीं, ये बाबर के भक्त है। ऐसे लोगों को अयोध्या के साधु संत किसी भी मंदिर में ना जाने दे और हम तो अयोध्या इनको घुसने नहीं देंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में अगले साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया। जनवरी महीने में अयोध्या के लगभग सारे होटल्स की बुकिंग भी फुल हो गई है। टीम न्यूज़ स्टेट।